आज वीडियो बहुत ही मजेदार क्यों नहीं, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इस्लामाबाद वर्सेस चंडीगढ़ कंपैरिजन। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले इस्लामाबाद वर्सेस चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामाबाद के बारे में। तो 220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। नेचुरली देखा जाए तो इस्लामाबाद एक काफी खूबसूरत और प्लान सिटी है, जिसे 1960 के दशक में पाकिस्तान की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था। ये फैसल मॉस्क 1960 में बनी थी। इसमें बटा हुआ है जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स, एजुकेशनल एंड कमर्शियल एरियाज और यहाँ का रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल है। वहीं अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क काफी अच्छा माना जाता है। कई बड़े रोड इंटरचेंज मौजूद है जो कि सिटी के डेली ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस एक 24 किलोमीटर लंबी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि इस्लामाबाद को यहाँ के नज़दीकी शहर रावलपिंडी से जोड़ता है। इसके अलावा इस्लामाबाद रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, दुनिया भर के मेजर डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। एंड अब बात करते हैं यहाँ के इकोनॉमी एंड डेटा के बारे में। तो अगर 2017 की रिपोर्ट देखें तो इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन 1.1 की है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 87% की है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर माना जाता है। वहीं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल जीडीपी 2.86 बिलियन US डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूट करता है। एंड अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ इंडियन स्टेट पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी है, जो कि 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है। ये शहर मेनली ग्रीनरी और यहाँ की खूबसूरत क्लाइमेट की वजह से द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1953 में भारतीय पंजाब की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था। आज के टाइम पे चंडीगढ़ कई रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स में बटा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ का 30% एरिया सिर्फ लेक्स, गार्डन और फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है, तथा यहाँ की ज्यादातर स्ट्रीट्स स्टाइल में बनाया गया है। एंड अब बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चंडीगढ़ में भी आपको सेम इस्लामाबाद से मिलती जुलती सड़कें मिलेंगी, बस चंडीगढ़ में रोड इंटरचेंज की जगह पे राउंड बोट्स हैं, जो कि गाड़ियों की ट्रैफिक फ्लो को बिना रोके हुए एक से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करती हैं। वहीं यहाँ की सड़कों पर ज़्यादातर CTU की CNG और इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये शहर रेलवे वेल कनेक्टेड है। यहाँ का शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 19वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा 2020 में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। एशिया का। एंड अब जान लेते हैं यहाँ की इकोनॉमी एंड डेटा के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन 1.6 मिलियन के करीब है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 86.77% की। वहीं अगर हम 2020 की रिपोर्ट्स देखें तो चंडीगढ़ की टोटल जीडीपी 5.9 बिलियन US डॉलर की है, जो टोटल इकोनॉमी में 0.215% का कंट्रीब्यूट करता है। तो यहीं पर वीडियो खत्म हो गया है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसे लगी। यार इस्लामाबाद सिटी जैसे बताया कि बहुत ही खूबसूरत सिटी, वो मैंने देखा वो वीडियो, मतलब वीडियो में बहुत ही लाजवाब सिटी है। एंड फैसल मॉस्क 1960 में बने गए क्या, काफ़ी मतलब बड़ी सिटी है। लिटरेसी उटरसी मतलब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी इसी सिटी का 87% बहुत ही ज़्यादा है। तो मेट्रो बस इधर चलती है, इधर CNG वाली बस चलती है, तो
लेकिन मेट्रो अभी दोनों ही सिटी में नहीं है, ना इधर ना उधर। रोड दोनों तरफ भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और एयरपोर्ट दोनों तरफ ही है। ये मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ का एयरपोर्ट, उसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है, ये मुझे नहीं पता था। बाकी पॉपुलेशन 5 लाख कम है, नहीं तो लगभग सेम सेम, लेकिन GDP में काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोनों ही सिटी में। और लिटरेसी भी दोनों लगभग सेम ही है। एंड उधर का इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरे पाकिस्तान का है वो, उसका मतलब मुझे लगा कराची का होगा जहाँ तक मैंने मन में ऐसा सोचा था, लेकिन इस वीडियो से पता चलेगा कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सबसे बड़ा है पाकिस्तान का पूरे। बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ बताइए क्योंकि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।